नमस्कार देवियों, सज्जनों, प्यारी माताओं, मैं आज आपको बताऊंगा कि तिल के लड्डू आप अपने घर में ही बैठे हुए कैसे बना सकते हैं। तिल के लड्डू बनाने की सामग्री नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए 500 ग्राम खोया, 500 ग्राम शुद्ध गाय का दूध का बनाया खोया। ये दूध है ऐसा, आप शुद्ध गाय का 4 किलो दूध अगर ले लें तो उसका गाढ़ा करके 500 ग्राम आप खोया घर में निकाल सकते हैं। और आप 100 ग्राम शक्कर ले लेनी है, चीनी डालने के बजाय आप इसमें 100 ग्राम शक्कर डाल सकते हैं। और ये तिल, ये देखिए ये तिल है, साफ तिल ले लीजिए बिल्कुल। इन तिलों को लेकर साफ कर लीजिए। और इसको आपने बनाने से पहले आपने क्या करना है कि आपने इन तिलों को कढ़ाई में ले लेना है। कढ़ाई में लेकर के इनको अच्छी तरह भून लेना है। जब ये रेड ब्राउन हो जाए तो आपने अपना गैस बंद कर देना है और उसके अंदर कढ़ाई के अंदर ये पड़े रहें। और आपने खोया जो है इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह मिला लेना है। मिलाने के बाद आपने ये चीनी जो है वो नहीं डालनी है, शुगर की जगह पे ये जो शक्कर है ये उसमें डाल देनी है। उसको घुमाना है और फिर गैस जला करके अच्छी तरह मिलाते रहना है। थोड़ी देर मिलाना है, ज्यादा देर नहीं मिलाना। थोड़ी देर मिलाने के बाद आप इसको हाथ से ऐसे गूंद करके गोल गोल आकार दे करके इसके लड्डू बना सकते हैं। और बाजार से बहुत ही सस्ते और बढ़िया लड्डू आपके घर में खुद के तैयार, हाथों से तैयार अच्छे पौष्टिक लड्डू बन जाएंगे। ये तिल के लड्डू आप सर्दी में खा सकते हैं, सर्दियों के लिए बहुत अच्छे हैं, खुराक हैं, तिल गर्म होते हैं इसीलिए आप उनको सर्दियों में खा सकते हैं। ये तिल के लड्डू बहुत अच्छे पौष्टिक लड्डू आप घर में बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।